दिल्ली स्कूल ब्लास्ट मामले से जुड़ी बड़ी खबर जिसमें सस्पेक्ट का चेहरा सामने आ गया है। देखिए आपको बता दें कि कल किस तरीके से दिल्ली में धमाका हुआ था, जिससे कि अफरा तफरी का माहौल, धमाके के संदिग्ध की तस्वीर सामने आई है। ये बड़ी खबर जिसमें संदिग्ध की तलाश में अब जांच एजेंसियां जुट चुकी हैं। तो ये बड़ी खबर है, दिल्ली धमाके से जुड़ी बड़ी खबर जिसमें संदिग्ध का चेहरा सामने आ गया है। धमाके के संदिग्ध की तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि अब पुलिस हर एक एंगल से जांच कर रही है, आखिरकार ये व्यक्ति था कौन, किस मंशा से इसने धमाका किया। देखिए कल इतवार का दिन था, हालांकि आपको बता दें कि स्कूल बंद रहता है, कोई बड़ी हानि नहीं हुई, लेकिन दहशत फैलाना ही क्या मकसद था। हर एक एंगल से जांच की जा रही है। तो फिलहाल बड़ी खबर दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर है जिसमें संदिग्ध का चेहरा सामने आया है। बड़ी खबर, फिलहाल संदिग्ध की तलाश में पुलिस इस वक्त जुटी हुई है। तो कल दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था, उसके खुलासे अब हो रहे हैं लगातार। आपको बता दें इसमें अपडेट आ रही है, दिल्ली पुलिस ने आज बताया है कि पॉलिथीन बैग में विस्फोटक रखा गया था। बैग को एक फीट गहरे गड्ढे में छिपा कर रखा गया था, इसके बाद इसे कचरे के ढेर से ढक दिया गया ताकि किसी की नजर न पड़ सके। इसके अलावा आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए। एक दिन पहले की फुटेज में पुलिस को दीवार के पास एक सफेद टी शर्ट पहना शख्स नजर आया था। अब पुलिस अब इसी शख्स की तलाश में जुटी हुई है। तो प्रशांत विहार इलाके में रविवार सुबह 7:30 बजे हुए इस धमाके में हालांकि कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन फेस्टिवल सीजन में इस घटना को सुरक्षा एजेंसियों ने गंभीरता से लिया है और जांच के लिए 4 एजेंसियां साथ काम कर रही हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी खुद इस मामले को देख रही है। इस बीच देखिए गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट भी तलब की थी। लगातार इस मामले में जांच हो रही है, हर एंगल से इस मामले को देखा जा रहा है। इस बीच बताया कि संदिग्ध की एक तस्वीर जो है वो जारी हुई है, जिसके आधार पर जाहिर तौर पर आगे की जो जांच है, पड़ताल है, वो पूरी की जाएगी। पॉश इलाका ये बताया जाता है और इसके ठीक सामने बाजार एक बताया जाता है। ऐसे में सुनियोजित तरीके से जिस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है, उसके पीछे क्या मंशा रही होगी धमाका करने वाले की, ब्लास्ट करने वाले की। त्योहारों का ये सीजन चल रहा है, राजधानी दिल्ली का वो इलाका चुना गया जो कि पॉश इलाका है, सीआरपीएफ कैंप स्कूल के पास ये ब्लास्ट हुआ है। ऐसे में तमाम तरह की बातें जो है वो निकल कर सामने आ रही है। देखिए पाकिस्तानी चैनल में भी इसे लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, खालिस्तानी एंगल की भी बात जो है वो सामने आ रही है। इस बीच सवाल ये है कि आखिर इस ब्लास्ट का सच क्या है, किसने इस ब्लास्ट को करवाया, इसके पीछे जिस संदिग्ध की तलाशी की जा रही है वो कौन है। हर एंगल से फिलहाल इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देंगी भावना सिसोदिया, हमारी सहयोगी। भावना, संदिग्ध की तस्वीर एक जारी हो चुकी है, इस बीच आपके पास क्या कुछ जानकारी अपडेट है, साझा कीजिए। जी मैं आपको बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम को 24 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। रविवार सुबह 7:40 का समय था जब सीआरपीएफ स्कूल बिल्डिंग के पास जो है ये धमाका हुआ था, और उसके बाद लगातार तमाम जो एजेंसी हैं वो जांच में जुटी हुई थी। वहीं दिल्ली पुलिस का जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे। लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे थे, जिसमें से अब एक फुटेज सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि स्कूल वॉल के पास एक शख्स जो है व्हाइट टी शर्ट में घूमता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस की नज़र में ही वह शख्स अब सस्पेक्ट की नज़रों से देखा जा रहा है, और उसकी धरपकड़ भी दिल्ली पुलिस जल्दी शुरू करने वाली है। तमाम सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो रविवार के सीसीटीवी फुटेज
में 9 घंटे के सीसीटीवी फुटेज में किसी भी तरीके का कोई सबूत पुलिस को मिलता हुआ नजर नहीं आया था, लेकिन जब शनिवार का सीसीटीवी फुटेज चाहे वो दिन का हो या रात का हो खंगाला गया तो ये तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद अब पुलिस की रिसर्च जो है और भी तेज हो गई है। वही धमाका इतना जोरदार था कि जहाँ स्कूल वॉल पे एक तरफ छेद हो गया था और दूसरी तरफ गड्ढा जहाँ पे बॉम्ब प्लांट किया गया था वहाँ गड्ढा हो गया था, तो वही दूसरी तरफ 20 मीटर की दूरी पे ही जो दुकानें बनी हुई है उन दुकानों में भी काफी डैमेजेस देखे गए थे, जो बोर्ड से वो टूट गए थे और साथ ही साथ जो काउंटर थे वो भी टूट गए थे। यहाँ तक कि जो गाड़ियां आसपास खड़ी हुई थी उन गाड़ियों के शीशे भी जो है इस धमाके की वजह से टूट गए थे। आसपास के एरिया की बात की जाए तो लोग यही कहते हुए नजर आए थे कि जिस समय धमाका हुआ था उस समय आवाज इतनी तेज थी कहीं ना कहीं जो आसपास का इलाका है वहां पर दहशत फैल गई थी, और वहीं इसका धमाका इतना जोरदार था कि 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में जो है धमाके का शोर सुनाई दिया था, और धमाके के बाद जिस तरीके से सफेद पाउडर और एक सफेद स्मोक जो है देखी गई थी उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ के जो प्रशांत इलाके के लोग हैं वो बेहद ही चिंतित है, और खुद पुलिस भी जो है चिंतित होती नजर आ रही है, क्योंकि जब ये ब्लास्ट हुआ एक सफेद पाउडर और 2 तारे जो है वो धमाके वाली जगह पर देखी गई थी, यानी कि हर एंगल से जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन से पाउडर का इस्तेमाल किया गया था और क्या ये एक चेतावनी दी गई है या फिर दहशत फैलाने के लिए इस तरीके का ये ब्लास्ट किया गया है, क्योंकि त्योहारों का समय नजदीक आ चुका है। वहीं त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए तमाम जगहों पर जो है अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा इंतजाम को और भी बढ़ा दिया गया है, फोर्स भी अलर्ट कर दी गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर खड़ा होता है कि जब पहले भी दिल्ली में इस तरीके के स्कूलों को धमकियां मिल चुकी हैं, हॉस्पिटल्स को धमकी मिल चुकी है, वहीं सीआरपीएफ की स्कूल बिल्डिंग पर इस तरीके का धमाका होना कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार यही एक बड़ी वजह भी है भावना, ये बड़ी वजह भी है क्योंकि इससे अब राजनीति और गर्मा गई है। यहाँ पे यदि हम देखें जो दिल्ली के सीएम आतिशी वह भी कह रही हैं कि इससे कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुलकर रह गई है, क्योंकि सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हमला होना इस बात की चेतावनी देता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जी ये बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लगातार क्राइम कैपिटल बनती जा रही है। कहाँ पहले फिरौतियों के लिए शोरूम्स पे हमले, उसके बाद जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जाना, कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत जो है बहुत नाजुक होती नजर आ रही है, और इसको लेकर दिल्ली सरकार लगातार चिंतित भी होती नजर आ रही है। वहीं अब सीआरपीएफ स्कूल जब पहले बम धमाके की मेल स्कूल में पहुंची तब भी दिल्ली सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े कर रही थी, और अब जिस तरीके से धमाका हुआ कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे एक बड़ा सवाल उठता है। वहीं दिल्ली सरकार अब साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है, चुनी हुई सरकार के कामों में बाधा डालने का काम उपराज्यपाल बखूबी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर जो दिल्ली पुलिस दिल्ली के उपराज्यपाल के अंदर आती है उसकी और उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इतना बड़ा घटनाक्रम होने के बावजूद भी एक बार दिल्ली के उपराज्यपाल ने उस जगह पर निरीक्षण करना तक ठीक नहीं समझा, तमाम चीजें हैं जो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर तमाम सवाल खड़े करती है। क्योंकि एक खास बात यह है, करवा चौथ का दिन था, कहीं ना कहीं छुट्टी का दिन था, स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, तो ये कहा जा सकता है कि ये धमाका अगर उस दिन स्कूल खुला होता तो एक बड़े धमाके में तब्दील होता, एक बड़ा घटनाक्रम में तब्दील होता, कई बच्चे या कई कैजुअलिटीज इसमें शिकार हो जाती जिस तरीके से धमाका हुआ है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के इंतजामों को देखकर भी अब दिल्ली पुलिस के ऊपर तमाम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले में कड़ी दर कड़ी जोड़कर दिल्ली पुलिस सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार किस तरीके का पाउडर इसमें इस्तेमाल किया गया था, क्या टाइमर बॉम्ब ये लगाया गया था या फिर रिमोट कंट्रोल से इसको किया गया था, किस तरीके से इसकी सब चीजें की गई थी, हर एक चीज को दिल्ली पुलिस लगातार खंगालने की कोशिश कर रही है। वहीं इसको लेकर एमएचए को भी रिपोर्ट दाखिल करनी है और आगे उम्मीद भी लगाई जा रही है कि एनआईए को ये मामला सौंपा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से धमाका हुआ सफेद पाउडर के कलेक्शन इकट्ठे किए गए कहीं ना कहीं उसको जांच की कोशिश की जा रही है, लेकिन किया जा सकता भावना कि 4 एजेंसियां जो हैं जांच में इस वक्त जुटी हुई हैं, आतंकी कनेक्शन भी खंगाला जा सकता है क्योंकि एटीएस भी इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जी जरूर देखा जाए तो हर तरीके से हर एंगल से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। वही जिस तरीके से आतंकी कनेक्शन वाली बात है और पाकिस्तान के जो एक टेलीग्राम चैनल पे जिस तरीके से टिप्पणी होती हुई नजर आई है, दिल्ली पुलिस अब उसको भी खंगालने में लगी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले में अभी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस चुप्पी ठाने बैठी हुई है, कुछ भी बोलती हुई नजर नहीं आ रही है, कड़ी दर कड़ी छोड़कर जो अज्ञात अपराधी है उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है ताकि ये कंफर्म हो सके कि क्या ये एक चेतावनी थी, एक प्लानिंग के तहत ये किया गया था या फिर एक डर का माहौल क्रिएट करने के लिए ये ब्लास्ट किया गया था।